नमस्कार, मैं हूं विवेक त्रिपाठी। एस्ट्रोलॉजी आईक्यू में आपका स्वागत है। आज मैं बात करूंगा बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना की। राजेश खन्ना के बारे में कहा जाता है कि जितनी तेजी से इन्होंने स्टारडम को पाया, उतनी ही तेजी से इन्होंने स्टारडम को खो भी दिया। राजेश खन्ना के बारे में आपको एक बात और बता दें कि लगभग 2 दर्जन से ज्यादा वन टू वन बैक टू बैक फिल्में इनकी हिट हुई, सुपर डुपर हिट हुई, और वहीं इनको एक सुपरस्टार का तमगा भी इनको हासिल हुआ। लेकिन बाद में इनकी फिल्में हिट होना क्या, इनको फिल्में मिलना ही बंद हो गई। अंतिम समय इनका बड़ा कष्ट में बीता, पारिवारिक झगड़े तनाव में बीता। तो आखिर आज हम इनके सिग्नेचर को जान करके, इनके सिग्नेचर को देख करके जानने की कोशिश करेंगे कि वो सारी बातें जो इनके कष्ट का और स्टारडम का कारण बनी, क्या उस सिग्नेचर में दिखती है, उन सबको जानेंगे। आपसे एक बात और मैं कहूंगा कि अगर आपको अपना सिग्नेचर मुझसे कंसल्ट कराना है, अपने सिग्नेचर को मुझसे दिखवाना है, तो आप मेरे दिए हुए नंबर पे मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपके सिग्नेचर को बदल करके आपका भविष्य निश्चित रूप से बदल दूंगा। और ये सिग्नेचर एक ऐसा साइंस है जो हम बनाते हैं, उसमें हमारा जो कह सकते हैं प्लेनेटरी इफेक्ट ज्यादा से ज्यादा आ जाता है। तो सिग्नेचर को बदल करके आप अपने भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। आइए जानते हैं अब राजेश खन्ना के सिग्नेचर में आखिर वो बातें कौन सी, कहां कहां पर छुपी हुई हैं, ये समझते हैं। ये राजेश खन्ना का सिग्नेचर आप देख सकते हैं। इस सिग्नेचर में कई खास बातें हैं, आइए आपको समझाते हैं। देखिए, ये आर यहां पर एक टावर की तरह बनाया गया है और राजेश खन्ना पूरा नाम लिखा गया है। यहां पर कुछ यूनिक बातें हैं। एक आर को टावर की तरह बना देना, जो हम डोनाल्ड ट्रंप में, माइकल जैक्सन में हम देखते हैं, जो उनका फर्स्ट लेटर है वो एक टावर की तरह बनाया गया, वो जो यहां पर ये स्टारडम को दिखाता है, ये पॉपुलैरिटी को लेकर के आता है, ये एक ऊंचे मुकाम तक पहुंचाता है जो आर यहां पर इन्होंने बनाया है। लेकिन चूंकि बहुत पास पास बना दिया है तो ये विवादों में लेकर आता है, कंट्रोवर्सीज में लेकर के आता है, जो राजेश खन्ना के साथ भी रहा। यहां पर ए और जे एक साथ लिखा गया है, ए का जो आप देखिए ए पूरी तरह बंद नहीं है, तो कहीं ना कहीं इनमें ये अहंकार भी दिखता है। अहंकार यहां पर भी दिख रहा है और यहां पर भी। ऐसा व्यक्ति बोलने में कभी चूकेगा नहीं, जो मन में आएगा वो बोल जाएगा और कहीं ज्यादा बोल जाएगा तो सामने वाले को अखरेगा भी। यहां पर आप देखिए जो ये लिखा हुआ है ई और एस, वो बहुत ही स्टाइलिश लिखा हुआ है, धन का क्षेत्र है और बहुत बेहतर तरीके से इन्होंने बनाया हुआ है। ये एच है, माउंटेन छोटा सा बना हुआ है। अब बारी आती जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राजेश खन्ना एक रोमांटिक हीरो के तौर पर जाने गए, तो यहां रोमांस कहां दिखता है आपको मैं बताऊं। कोई भी अगर अपने सिग्नेचर के लेटर में अगर ओवरलैप कर देता है, ये आप देख सकते हैं जो के है ये लिपटा हुआ लग रहा है आपको, कि के जो बनाया गया है उसको तीन लूप बने हैं, एक दो और ये तीन, और ये एक लाइन से लिपटे हुए हैं, ये रोमांस को दिखाता है, ऐसा भी रोमांटिक होगा। और यही इनको रोमांटिक हीरो भी बनाया और इसी ने इनको इनके परिवार में विवाद भी पैदा किया। ये फैमिली लाइफ को डिस्टर्ब इसी ने किया, यानी कि इनकी जो मैरिटल लाइफ थी, डिंपल कपाड़िया जो इनकी वाइफ थी, उससे विवाद खड़ा किया इस सिग्नेचर यहां पर इससे। और यहां जब आगे बढ़े, एच बहुत अच्छा लिखा हुआ है और ए संतानों का स्थान है, आप देख सकते हैं बहुत, और ये मनी बैग भी बना हुआ है, ये इनके लिए एक सफलता का कारण बना। आखिर में आप देखिए एक यहां पर माउंटेन है और ये इंक ड्रॉप हुई है, यानी कि इंक फैल गई है। ये इनका अंतिम समय है, ये ही इनको विवादों में लेकर के आया, ये इनके पैसे को कम कराया, यानी कि सेविंग्स को खत्म करवाया। और बाद में आपको मैं बता दूं, जो पैसा यहां पर था वो यहां पर आते आते खत्म सा हो गया। कुल मिलाकर के आप देखिए सिग्नेचर ऊपर तो जा रहा है, यानी कि इनके पास जो पहले नाम था, जो पहले तरक्की इन्होंने की, वो सब बाद में जाकर के खत्म होती हुई यहां पर दिख रही है। ये आशावादिता तो दिखाती है, ऑप्टिमिस्टिक तो दिखाता है, लेकिन संघर्ष के साथ। मैं आपको बता दूं सिग्नेचर कनेक्टेड नहीं है, कुछ कुछ लेटर बिल्कुल अलग थलग पड़े हुए हैं, यही इनको आइसोलेशन में ले आया, अलगाव में ले आया। और यहां पर जब के आप देखें तो के बिल्कुल लिपटा हुआ सा लग रहा है, एक के ऊपर एक लग रहा है। दूसरी बात ये कि ये विवादों में कंट्रोवर्सीज क्रिएट करा रहा है, जो इनको धन की हानि, विवादों में लाना, कष्ट देना, शारीरिक कष्ट, वो सब यहां से इनको मिल रहा है। ये इनको अहंकार दिला रहा है, ये इनको स्टारडम दिला रहा है। लेकिन यहां तक आते आते इनकी लाइफ में बड़ा बदलाव हुआ, कह सकते हैं कि पूरे सिग्नेचर में इनकी सारी बातें छिपी हुई है, कब कि इनको आखिर नुकसान कब हुआ और कैसे फायदा हुआ, नुकसान का कारण क्या, वो भी आपको मैंने यहां पर आपको दिखा दिया। ये एक सबसे बड़ा कारण ये, हालांकि इनको रोमांटिक छवि भी दे रहा, लेकिन इनको पारिवारिक झगड़े
में भी इन्वॉल्व करा रहा, यहां पर इनके पास पैसा पूरा खत्म हो रहा और साथ में कंट्रोवर्सीज क्रिएट करा रहा। कुल मिलाकर के मैं कह सकता हूं कि राजेश खन्ना का सिग्नेचर था तो बहुत अच्छा, बना बहुत अच्छा था, लेकिन अंतिम समय में उस पर ध्यान नहीं दिया गया। तो आज राजेश खन्ना पर इतनी ही बातें, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर नई वीडियो में, तब तक।